राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल रामकथा के पाठों पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम दंडक वन में 10 वर्ष भाग 2। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि भरत के वापस चले जाने के बाद राम वन में पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रहने लगते हैं। इसी बीच उनकी भेंट रावण की बहन शूर्पणखा से होती है। शूर्पणखा राम से विवाह करना चाहती है। राम की मना करने पर वो लक्ष्मण से विवाह करने के लिए कहने लगती है। लक्ष्मण शूर्पणखा के नाक और कान काट लेते हैं। शूर्पणखा अपने सौतेले भाई खर और दूषण से मदद लेने के लिए भागती है। अब सुनिए इससे आगे की कहानी। शूर्पणखा की दशा देखकर खर दूषण के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे। वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया लक्ष्मण के साथ। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से ये दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वो चकित थी। उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वो फुफकारती हुई खर दूषण के पास लौटी। इस बार खर दूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया। घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए। आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये अमंगल के संकेत थे। पर वो रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की हुई। खर दूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई। कुछ पिछलग्गू राक्षस बचे। वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। भागने वालों में एक राक्षस का नाम अकंपन था। वो सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण बताया। अकंपन ने कहा, राम कुशल योद्धा हैं, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वो महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई, ताड़का के पुत्र से। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था, पर
राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया, कहा, ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट गया। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची, विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। वो रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, सीता को अतीव सुंदरी बताया, कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूं। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। रावण फिर मारीच के पास गया। खर दूषण की मृत्यु से वो कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वो मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भांप गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन ना जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को
हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण? लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा। उनकी ये इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया। सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, लक्ष्मण, आदेश भ्राताश्री, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। बाल राम कथा। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मुख्य विषय समन्वयक प्रोफेसर रामजन शर्मा, आलेख मधुकर उपाध्याय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार राकेश पंडित, कलाकार मंजू मैनी, बी एल टंडन, सुनील लोहिया, हर्ष बाला और प्रवीण, ध्वनिंकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।